नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। आइए एक नजर डालते हैं कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। डिनो मोरिया बिपाशा बसु को अपना फेवरेट को स्टार मानते हैं। एक रिसेंट इंटरव्यू में डिनो ने एक्स गर्लफ्रेंड बिपाशा की बात की। डिनो मोरिया ने कहा कि करियर के शुरुआती दिनों में उनकी अधिकतर फिल्में बिपाशा के साथ ही थी, उनके साथ केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी। डिनो ने 2002 की फिल्म राज को अपनी फेवरेट मूवी करार दिया है। हालांकि फिल्म राज को लेकर डिनो के अंदर एक कसक भी है। डिनो ने कहा, राज इतनी बड़ी हिट फिल्म थी लेकिन फिर भी इसे एक भी अवार्ड नहीं मिले, ये अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। बता दें कि राज एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसके सारे गाने आज भी काफी पॉपुलर हैं। डिनो मोरिया और बिपाशा बसु एक वक्त पर रिलेशनशिप में थे। इनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था। कहा जाता था कि दोनों की मुलाकात एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन 5 साल तक अफेयर चलने के बाद दोनों अलग हो गए। डिनो ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा, बिपाशा मेरी फेवरेट को स्टार है, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा अगर मेरी पसंदीदा फिल्मों की बात करें तो राज मेरी फेवरेट मूवी है। ये 2002 की सबसे बड़ी मूवी है। हालांकि एक बात खटकती है कि इसको एक भी अवार्ड नहीं मिले। दबंग एक्टर अरबाज खान ने कुछ दिन पहले चुपके से मेकअप आर्टिस्ट शुरा खान के साथ दूसरा निकाह किया था। अरबाज ने जॉर्जिया एंड्रोनी से ब्रेकअप के बाद शुरा के साथ अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था और अचानक निकाह करके फैंस को सरप्राइज कर दिया। शुरा खान बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट है जो लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। हाल ही में उन्हें अरबाज खान के साथ डिनर डेट पर स्पॉट किया गया था। इस दौरान वो कैमरे से बचती हुई नजर आई। अब न्यूली मैरिड कपल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। शनिवार की सुबह सुबह अरबाज खान और शुरा खान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। क्लिप में अरबाज और शुरा एक दूसरे का हाथ थामे एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। इस दौरान शुरा ने कैप से अपने चेहरे को ढका हुआ है और वो सिर झुकाए हुए पति के साथ चल रही हैं। हालांकि चेक इन करते समय दोनों ने पेपराजी को साथ में पोज भी दिए। प्यार में दिल टूटने के बाद अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर होता है। कुछ दिल टूटने के बाद बिखर जाते हैं तो कुछ उससे प्रेरणा लेकर जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। गायन में लाखों प्रशंसक बनाने के बाद अब अभिनय में कदम रखने जा रहे गुरु रंधावा का भी दिल टूटा था। हालांकि उन्होंने खुद को संभाला और उसके बाद खुद को एक अलग मुकाम पर ले गए। इस बारे में गुरु ने एक इंटरव्यू में बताया कि तब वो 18 वर्ष के थे और वो लड़की 22-23 साल की रही होगी। उसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई। उसने मेरे कपड़े पहनने का स्टाइल, मेरा लुक, बात करने की शैली सब कुछ बदल दिया। तब मैं दिल्ली नया नया आया था, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी। मैंने अंग्रेज़ी फिल्मों के सबटाइटल पढ़कर अंग्रेज़ी सीखी। फिर मेरा दिल टूटा और मैंने थोड़ी अलग दिशा पकड़ ली। आगे कहा कि कोई हमें दुखी तभी कर सकता है जब हम किसी को दुखी करने की अनुमति देते हैं। कोई अनजान व्यक्ति हमें भला क्या ही दुखी कर सकता है। मेरे मामले में तो मैंने उस लड़की को कहा था कि मुझे दुखी करो। दिल टूटने के बाद मैंने फिल्मी हीरो की तरह अपना सिम कार्ड तोड़ा और मन में सोचा कि डैड इतनी मेहनत से मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं कैसे सब कुछ बर्बाद कर सकता हूँ। यशराज प्रोडक्शन जल्द ही धूम की 3 कामयाब फ्रेंचाइजी फिल्मों के बाद इसकी 4th फिल्म धूम फिल्म ला सकता है। खबरें हैं कि इस फिल्म में शाहरुख खान को लीड रोल दिया जाएगा जो पठान, जवान और डंकी से चर्चा में है। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट्स के माने तो शाहरुख खान ने अब तक फिल्म साइन नहीं की है। हाल ही में फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े एक इंटरव्यू में बातचीत में बताया कि शाहरुख खान को धूम 4 के लिए साइन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, शाहरुख खान को धूम 4 में कास्ट किए जाने की बात गलत है। फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। खबरें ये भी रही हैं कि शाहरुख खान के साथ फिल्म में साउथ सुपरस्टार रामचरण भी अहम किरदार में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि रामचरण धूम फ्रेंचाइजी से अभिषेक बच्चन को रिप्लेस करेंगे। रश्मिका मंदाना सिर्फ साउथ की नहीं बल्कि अब बॉलीवुड का भी चमकता सितारा बन गई है। गुड बाय और मिशन मजनू के बाद रश्मिका मंदाना की तीसरी बॉलीवुड फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबास्टर रही। रश्मिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनका हर सपना पूरा हुआ है। रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जो उनके वैकेशन की लग रही है।
अभिनेत्री ने स्ट्रीट पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कैंडिड पिक्चर क्लिक कराई। तस्वीर में वो ब्लैक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स में नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने बैकपैक लिया हुआ है। सिंपल और कैजुअल लुक में भी रश्मिका की खूबसूरती फैंस का दिल जीत रही है। इस फोटो को शेयर करते हुए रश्मिका मंदाना ने कैप्शन में लिखा, कभी कभी आप बस रुके और सोचे, अरे यार ये सब कैसे हुआ, ये सब कब हुआ, ये सब क्यों हुआ, और मुझे बहुत खुशी है कि ये सब हुआ। आभारी हूँ, शांत हूँ और खुश हूँ। ये वो सब है जिसका मैंने सपना देखा था। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर।